नमस्कार दोस्तों, सर्च रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर नेवला इंसान को काट लेता है तो इंसान के साथ क्या होता है? दोस्तों, ज्यादातर से लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर नेवला इंसान को काट लेता है तो इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन क्योंकि नेवला सांप से जहरीला होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, नेवला सांप से जहरीला नहीं होता है। दोस्तों, हमारे धरती पर पाए जाने वाले हर एक तरह के प्राणियों में एक खास तरह की विशेषता होती है। दोस्तों, नेवले में एक खास तरह की विशेषता होती है। जो विशेषता नेवले में होती है वो विशेषता धरती पे किसी भी प्राणियों में नहीं होती है। दोस्तों, इसी विशेषता के कारण दोस्तों सांप के काटने पर भी नेवले को उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि अगर नेवला इंसान को काट लेता है तो क्या होता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। क्योंकि दोस्तों, हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं। दरअसल दोस्तों, किसी भी जंगली जानवर के काटने से हमें रेबीज होने का खतरा होता है। क्योंकि दोस्तों, जंगली जानवर जब इंसान को काटते हैं तो अपने लार में लीसा नामक वायरस को छोड़ देते हैं, जिससे रेबीज होने का खतरा होता है। तो अगर दोस्तों जंगली जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर, नेवला इत्यादि गर्म खून वाले जंगली जानवरों के काटने से रेबीज होने का खतरा होता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी भी इन सभी जंगली जानवरों के काटने पर आप रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो आपको आगे चल के रेबीज होने का खतरा होता है। अगर दोस्तों आपको रेबीज हो जाती है तो रेबीज होने के बाद से इसका कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, ये सभी गर्म रक्त वाले जानवरों के काटने पे आप तुरंत रेबीज का इंजेक्शन 72 घंटा से पहले लगवा लें, नहीं तो दोस्तों ये रेबीज हो जाने पर इसका इलाज असंभव है। दोस्तों, बात करें नेवले की, तो दोस्तों नेवला इंसान को काट लेता है तो क्या होता है? तो दोस्तों, दरअसल नेवले जहरीले नहीं होते हैं। हाँ दोस्तों, इनके कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि जहरीली होती हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नेवले जहरीले क्यों नहीं होते हैं, उनको तो वो तो सांप को काट लेते हैं तो सांप मर जाता है, जबकि नेवले को कुछ नहीं होता है। तो दरअसल दोस्तों, नेवले के अंदर कुछ ऐसी खास बात होती है जो कि उनको सांप के जहर से बचाता है। क्योंकि दोस्तों, नेवले के डीएनए हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह विशेषता सिर्फ नेवले के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, नेवला जब सांप से लड़ता है तो दोस्तों सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होता है, जिसका एंटीडोज नेवले के डीएनए में होता है। दोस्तों, नेवले का डीएनए हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन का एंटीडोज नेवले के डीएनए में होता है, जिसकी वजह से नेवले को सांप के जहर का असर नहीं होता है। और दोस्तों, नेवला इतना फुर्तीला होता है कि वो सांप के चपेट में आता ही नहीं है। दोस्तों, इतनी वो फुर्तीला होता है कि वो सांप को काटने से अपने आप को बचाता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादातर से नेवले को सांप काट ही नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं। अगर दोस्तों अगर सांप नेवले को काट लेता है तो भी नेवले का कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों उनके डीएनए में न्यूरोटॉक्सिन का एंटीडोज होता है। अगर दोस्तों इंसान को नेवला काट लेता है तो क्या होता है? तो दोस्तों, इंसान को नेवला काट लेता है तो रेबीज होने का खतरा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, सभी गर्म खून वाले या जंगली जानवर के काटने पर रेबीज होने का खतरा होता है। इसलिए दोस्तों, अगर नेवला इंसान को काटता है तो ज़्यादातर से इंसान की मृत्यु बहुत ही कम होती है, और दोस्तों कहीं कहीं पे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन ये दोस्तों ये कीड़े मकोड़े या सांप वूप को काटते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा बैक्टीरिया या जहर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर नेवला इंसान को काट लेता है या कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जंगली जानवर गर्म रक्त वाले काटते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर से मिलने के बाद तुरंत रेबीज का सुई लगवा लें। अन्यथा दोस्तों, अगर आपको रेबीज हो जाती है तो आपका बचना बाद में भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, रेबीज हो जाने पर सांसें तेज हो जाती हैं, सांस फूलती हैं, और मुँह से लार का आना, धड़कन बढ़ जाना, अन्य तरह की बीमारियां जैसे अन्य तरह के संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह रेबीज के संकेत हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नेवला जहरीला सांप से जहरीला नहीं होता। दोस्तों, अस्पष्ट रूप से बात करें कि नेवले के काटने से इंसान के साथ क्या होता है, तो दोस्तों अस्पष्ट रूप से बात करें तो नेवले के काटने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों,
ये कीड़े मकोड़े या सांप को काटते पीटते हैं और इनमें भी ये इसके वजह से इनके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होती है, ये थोड़े जहरीले हो जाते हैं, या तो दोस्तों इसके काटने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इसके वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ज़्यादातर हमने देखा है कि नेवले के काटने से इंसान को चक्कर आने लगता है और आँखों के नीचे धुंधलापन होने लगता है, वो धीरे धीरे नींद उसको आने लगती है। अगर उसे सही समय पर डॉक्टर के पास ना ले तो वो मर भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों अगर नेवला आपको काटता है तो दोस्तों सांप की इतना तो जहरीला नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जहरीला होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ये काट लेता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये नहीं कि आप घरेलू तरीके से उसका इलाज करके सोचे कि अब सही हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अंधविश्वास के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बहुत ही अनमोल है और दोस्तों ये दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको सांप काट नेवला काट ले तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाएं। आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ हों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं।